प्रणमो जिनाडम, एक वृक्ष आपकी किस्मत बदल सकता है, आपके जीवन में उन्नति के दरवाजे खोल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में राशियों के इष्ट वृक्ष के बारे में। विगत दिनों में हमने चर्चा की है राशियों के मंत्र, राशियों के रुद्राक्ष, अब हम चर्चा करेंगे राशियों के वृक्ष। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का स्वामी है बुध, जो कि बुद्धि को बढ़ाने वाला है। बुध ग्रह हमारे जीवन में खर्चों को कम करता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी बुद्धि को भी प्रखर बनाता है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर लाता है। तो यदि आपकी मिथुन राशि है या आपकी मिथुन लग्न है, और जब मैं राशि बोलता हूँ तो यहाँ पर जन्म राशि को ही लेना चाहिए। बोलते हुए नाम से क्या राशि उसे नहीं देखना है, आपकी जन्म राशि क्या है। और जन्म राशि देखने के लिए जन्म कुंडली को देखना होता है। जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्र ग्रह स्थित होता है वह आपकी भारतीय ज्योतिष के अनुसार जन्म राशि कही जाती है। तो यदि आपकी मिथुन राशि है या आपकी मिथुन लग्न है, तो आपको अपने जीवन में कौन सा ऐसा वृक्ष लगाना चाहिए जो वृक्ष आपके जीवन में किस्मत चमका दे, आपके जीवन का भाग्य के दरवाजे खोल दे। आपके जीवन में सौभाग्य के दरवाजे खोलने के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे क्या लेते हैं, नेगेटिविटी लेते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यदि इस धरातल पर वृक्ष नहीं होते तो जीवन की परिकल्पना भी संभव नहीं थी। वृक्ष वो है जो हमारे जीवन के साथ भी चलते हैं और जीवन के बाद भी चलते हैं। जब शरीर रह जाता है और आत्मा चली जाती है, तब इस शरीर का संस्कार करने के लिए भी हमें वृक्ष की लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। तो वृक्ष एक ऐसी प्रकृति की देन है जो हमारे जीवन के साथ साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो श्वास के रूप में हो। हमारे जीवन में यदि जीवनी शक्ति कोई देने वाला है तो वो वृक्ष ही है। इसलिए आप देखें, पौराणिक आख्यानों में भी आप देखें तो जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठकर के संन्यास लिया। तीर्थंकर भगवंतों को कैवल्य ज्ञान भी हुआ तो वो भी किसी ना किसी पेड़ के नीचे बैठ के ही हुआ। और जब उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब उनका समोषण लगता है, तो उसमें भी एक वृक्ष रहता है, अशोक वृक्ष। तो वृक्ष हमारे जीवन के साथ साथ चलते हैं, या हम ये कहें कि वृक्षों से हमारा जीवन चलता है। तो जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है आपके द्वारा लगाया हुआ, वैसे वैसे आपका जीवन बड़ा होता है। हालांकि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आपको अपने घर में कुछ ना कुछ पौधे जरूर लगाने चाहिए, ताकि आपके घर का वातावरण जो है वो सुरम बना रहे और बहुत अच्छा बना रहे। घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है वृक्ष लगाने से। वृक्ष की पत्तियों का रंग हरा होता है, हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है। इसलिए हमें अपने घर में पेड़ लगाने चाहिए, साथ ही साथ हमें अपनी राशि का इष्ट वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। तो मिथुन राशि के जातक कौन सा वृक्ष लगाएंगे अपने घर के पास वाले बगीचे में, नोट कर लीजिएगा। मिथुन राशि के जातकों को अपने घर के पास में शीशम का पेड़ लगाना है। शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत मानी जाती है फर्नीचर के लिए। आपके घर में जो फर्नीचर है वो शायद शीशम की लकड़ी से बना हुआ हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शीशम की लकड़ी भी मजबूत होती है, शीशम की पत्तियाँ भी बहुत औषधि के गुणों से भरपूर होती हैं। तो आपको अपने घर के पास वाले बगीचे में या किसी जंगल में आपको पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है शीशम का, और उसकी देखभाल ठीक एक बच्चे की तरह करनी है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसका पूरा पालन पोषण देखते हैं, ऐसे ही आपने पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद आप भूल जाते हैं, तो भूल गए तो वो आपके जीवन में नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर पौधा लगाया हुआ अगर मर जाता है या सूख जाता है तो आपके जीवन में फिर से कष्ट आ सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बड़ा करना चाहते हैं, अपने जीवन में फलना फूलना चाहते हैं, तो अपने घर के आसपास किसी खाली जगह पर एक शीशम का पौधा लगाइए और उसका पूरा ध्यान रखिए, उसमें खाद पानी टाइम टाइम देते रहिए। एक बार उसकी जड़ें मजबूत हो जाए जमीन के अंदर, फिर उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो अपने आप प्रकृति उसका ध्यान रखेगी। तो मिथुन राशि के जातक ध्यान दें, अपने घर के आसपास अपनी राशि का इष्ट वृक्ष शीशम का पेड़ जरूर लगाइएगा। आप देखते हैं जितने भी नए काम की शुरुआत होती है तो उससे पहले एक पौधा लगाया जाता है। आप देखें अयोध्या में जब भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया, तो राम मंदिर के शिलान्यास से पहले
भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले वहां एक वृक्ष लगाया था, उसके पश्चात ही राम मंदिर का शिलान्यास किया था। वृक्ष धरती से जुड़े होते हैं और आकाश तक उनकी ऊर्जा फैलती है। वृक्षों की ऊर्जा से हमारा जीवन संचालित होता है। तो आपको अपनी राशि का इष्ट वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और मिथुन राशि के जातकों का इष्ट वृक्ष है शीशम, ठीक है? तो शीशम का पेड़ जरूर लगाइए। इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बहुत सारे फायदेमंद हैं। पत्तियों के भी अलग अलग गुण हैं, तो आप वो विवेचना आयुर्वेद की है, लेकिन आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखना है तो मिथुन राशि के जातकों को अपने घर के आसपास शीशम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसकी ऊर्जा आपके जीवन को ऊर्जान्वित करेगी और सक्रिय बनाएगी। साथ ही साथ जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा, वैसे वैसे आपका जीवन बड़ा होगा। और आपका जीवन बड़ा है, बड़ा हो, आपका जीवन फले फूले, हमारी यही कामना है, हमारा यही उद्देश्य है। ओम अरहम।